गाइस एडवांस सर्वर के अंदर OB35 का अपडेट आ चुका है, तो हमारे इंडियन सर्वर के अंदर OB35 का अपडेट आ जाएगा 20 जुलाई को। तो 20 जुलाई के दिन गेम मेंटेनेंस ब्रेक में रहेगा और सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक गेम बंद रहेगा, मतलब कि हम लोग गेम खेल नहीं पाएंगे। तो उसके बाद बहुत खतरनाक सा चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा अभी आप लोग देख लो, क्योंकि अपडेट के बाद आप लोग क्या क्या गलत सब कर बैठोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए आप लोग पहले से देख लो और सतर्क हो जाओ। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो देखो गाइस वीडियो लंबा हो सकता है, बट आप लोग वीडियो को फुल वॉच करना क्योंकि अपडेट के बाद क्या सब हो गया आपको पता चल जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपसे बता दूं, क्या 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 बैतलो बैतलो क्या 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 चुप हो जाओ। अरे अपना थोड़ा बंद करो, अगर इतना लोग क्या क्या बोलेंगे तो मैं ही फिर क्या बोलूंगा। तो OB35 का अपडेट है 20 जुलाई को, तो 20 जुलाई के दिन कुछ इस तरीके से अपना गेम मेंटेनेंस ब्रेक में रहेगा और हमसे कुछ इस तरीके से दिखाएगा, जैसे कि अपना उल्लू पैट है और एक जस्टिन बीबर का कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये OB35 का न्यू कैरेक्टर और न्यू पैट होने वाले हैं। तो जस्टिन बीबर के कैरेक्टर के बारे में आपसे पता है, अगर नहीं पता है तो आप लोग मेरे कमेंट करके बताना, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। और हाँ गाइस, आप लोग जो उल्लू का पट्टा को देख रहे हो, इसका एबिलिटी कुछ इस तरीके से होने वाला है। जैसे हम लोग रैंक या क्लासिक खेलते हैं, देखते हो ना ऊपर कुछ ड्रोन कैमरा उड़ रहा है येलो टाइप का, ठीक उसके रिगार्डिंग कुछ एबिलिटी होने वाला है। तो आप लोग अगर बोलते हो तो इसका भी एबिलिटी के बारे में आपसे बता दूंगा। और हाँ गाइस, अपना एक न्यू गन आने वाला है जिसका नाम है बिजोन। तो ये एक SMG गन होने वाला है और हमसे भी OB34 के अंदर एक SMG गन देखने को मिला था जिसका नाम था MAC-10। तो OB35 के अंदर भी एक SMG गन देखने को मिल रहा है बिजोन। तो देखो गाइस, ये एक SMG गन होने वाला है और ये शॉर्ट रेंज का गन होने वाला है, जैसे अपना MP40 है ना जिसमें जूम करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक वैसे होने वाला है। लेकिन इसका रेंज बहुत ज्यादा है, MP40 के मुकाबले काफी ज्यादा इसका रेंज है और इसका डैमेज भी सही है, मस्त गन है ये। और गाइस देखो आप लोग, इस तरीके से कुछ लो भी होगा या फिर बैटलियन स्टाइल इवेंट के थीम पे ही होगा। सो गाइस, अभी तक मैंने आपसे गेम के बाहर के बारे में बताया, बट अब मैं आपसे बताऊंगा गेम के अंदर के बारे में, गेम के अंदर क्या क्या चेंजिंग सब देखने को मिलेगा। तो देखो गाइस, OB35 के बाहर स्टोर सेक्शन, लक रॉयल सेक्शन, कैरेक्टर सेक्शन सब इस तरीके से कुछ देखेगा और इवेंट के अंदर कुछ इस तरीके से सब देखने को मिलेगा। तो ऐसा सब देख के मेरे को पुराने दिन सब याद आ गए, जैसे आपसे पता की 2-3 साल पहले फ्री फायर के अंदर कुछ इस तरीके से इवेंट वगैरह सब लिखा रहता था और कुछ इस तरीके से डिजाइन वगैरह सब रहता था, ठीक वैसे होने वाला है। और देखो हम लोग कैरेक्टर वाले सेक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कहीं पे क्रोनो है, कहीं पे आलोक है, कहीं पे वुकोंग है, तो कहीं पे स्काइलर है, सब अलग अलग जगह पे हैं। बट आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है वो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, तो इसके लिए थोड़ा बहुत का टाइम भी लगता है। तो OB35 अपडेट के बाद आपका फेवरेट कैरेक्टर को ऊपर रख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको क्लिक करके आप लोग फेवरेट कैरेक्टर को ऊपर रख सकते हो और आपको ढूंढने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। तो ये काफी अच्छा अपडेट हुआ है, मेरे को ये अपडेट बहुत ज्यादा पसंद आया। और हाँ गाइस, हम लोग अगर क्लैश स्क्वाड खेलते हैं ना, तो ऑपोजिट साइड में बंदे के पास कौन सा कैरेक्टर है वो हमको अभी पता नहीं चलता है, बट अपडेट के बाद वो सब आपसे भी पता चल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो भी बंदे के पास एक्टिव कैरेक्टर रहेगा, जैसे कि अपना या आलोक, वुकोंग या फिर क्रोनो, तो उनका एबिलिटी के बारे में आप लोग पहले से पता कर सकते हो और आप लोग सतर्क हो सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो ये भी अपडेट मेरे को काफी सही लगा, मस्त सा अपडेट है ये। और हाँ गाइस, हम लोग अगर क्लैश स्क्वाड खेलते हैं ना, तो हमसे भी कुछ 4 राउंड मिलता है और उसमें से हम लोग एक ही ग्लूवल को यूज कर पाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो कहने का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारे ग्लूवल का स्किन है, बट उसको आप लोग क्लैश स्क्वाड के अंदर एक ही ग्लूवल का स्किन को यूज कर सकते हो। तो अपडेट के बाद आप लोग हर एक राउंड में ग्लूवल का स्किन को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक ऑप्शन आएगा, इस पे आप लोग को क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आप लोग को ग्लूवल को सेट कर लेना है। तो इससे क्या हो कि आप लोग अगर क्लैश स्क्वाड खेलते हो तो एक राउंड के बाद एक ग्लूवल पड़ेगा, फिर नेक्स्ट राउंड के बाद और एक ग्लूअल का स्किन देखने को मिलेगा, फिर नेक्स्ट राउंड के बाद और एक ग्लूअल का स्किन देखने को मिल जाएगा। तो ये भी काफी सही अपडेट है, मेरे को भी ये अपडेट काफी ज्यादा पसंद आया। और हाँ गाइस, आपसे भी बता कि कस्टम एचयूडी के अंदर से हम लोग मैप को उसकी जगह से नहीं हिला सकते थे, बट अपडेट हो जाने के बाद हम लोग मैप को उसकी जगह से हिला सकते हैं और उसे कहीं भी रख सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो अभी का सीन क्या है कि ये जब देख रहे हो ना, जिसमें हम लोग लूट करते हैं जिसे प्रेस करके, तो इसमें अभी लॉक पड़ा है, बट OB35 अपडेट के बाद इसमें से लॉक हट जाएगा, इसको हम लोग कहीं पे भी रख सकते हैं। तो ये अपडेट भी मेरे को काफी ज्यादा सही लगा, मस्त सही अपडेट है और इसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, बट अब नहीं होगा। और हाँ गाइस, आपसे बता कि जो भी न्यू प्लेयर है तो वो सही से ग्लूवल नहीं डाल सकता और हम लोग को ग्लूवल सही से डालना आता है, बट हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस से डालते हैं, जैसे कि छत के ऊपर डाल देते हैं या फिर जमीन के नीचे घुसा देते हैं या फिर उल्टा डाल देते हैं। तो ऐसा हम लोग करते हैं, हम लोग नहीं वो इंसान मैं ही हूँ, ठीक है। पता नहीं मैं ग्लूवल कहाँ का डालता हूँ तो मेरे को पता ही नहीं चलता, तो इसके वजह से मैं मारा जाता हूँ। बट OB35 अपडेट के बाद ऐसा नहीं होने वाला है। तो हमारे सेटिंग के अंदर स्मार्ट थ्रो नाम करके एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसको हम लोग ऑन करने के बाद सिंपल हम लोग ग्लूवल को पकड़ेंगे, उसके बाद अपना
आगे ग्लोबल गिर जाएगा। तो आप लोग अगर ऊपर भी लगाते हो तो बस ग्लोबल को टच करोगे फिर आपका ग्लोबल गिर जाएगा। आप लोग अगर उल्टे ग्लोबल में डालना चाहोगे तो आप लोग ग्लोबल नहीं डाल सकते, सिर्फ आपका सीधा ग्लोबल गिरेगा और आपका फेस का आगे ही ग्लोबल गिरेगा। और ये सेटिंग ऑन करने के बाद आप लोग ग्लोबल को पकड़ना है, सिर्फ पकड़ने के साथ नहीं वो गिर जाएगा, ना ही आपको फायर करना है। तो ये न्यू प्लेयर के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये अपडेट भी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, मस्त सा अपडेट है। न्यू प्लेयर्स के लिए तो काफी अच्छा ये अपडेट है और मेरे लिए भी अच्छा अपडेट है। तो जाने देते हैं इसे और अपना नेक्स्ट अपडेट के साइड बढ़ते हैं। और हाँ गाइस, हम लोग अगर एक बंदे को अभी डाउन करते हैं या फिर किल करते हैं तो इसका इफेक्ट कुछ इस तरह से आता है, आपसे पता है, बट अपडेट के बाद ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये चेंज हो जाएगा और कुछ इस तरह के हिसाब से दिखेगा, डाउन होने पर कुछ इस तरह से दिखेगा, सो काफी अच्छा है। और किल होने के बाद भी कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये अपडेट भी सही है, काफी अच्छा अपडेट करे हैं ये लोग। और हाँ गाइस, और एक अपडेट आपसे देखने को मिल जाएगा टीम कोड में। तो आपसे पता है टीम कोड अभी तो हम लोग जिसे भी देते हैं लिख के देते हैं, फिर वो भी लेता है, फिर लिखता है, कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बट अपडेट के बाद ऐसा हुआ कि टीम कोड को आप लोग कॉपी कर सकते हो और जिसको आप लोग टीम कोड दोगे वो भी पेस्ट करके आ सकते हैं। तो ये अपडेट भी काफी सही है, ये मस्त सा अपडेट है, ये मेरे को ये अपडेट काफी ज्यादा पसंद आया। तो देखो गाइस, जो भी मेरे को याद पड़ रहा है सब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कोई छूट जाए तो आप लोग को एडजस्ट कर लेना। तो चलो अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट अपडेट के साइड। जैसे कि अपना मैसेज बॉक्स में चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर अभी किसी को मैसेज करते हो तो जैसे कि अपना सॉरी हैट मी, तो ठीक है उसमें भी चेंजिंग देखने को मिलेगा। सिर्फ आप उसको प्रेस करके सिर्फ घुमाना है, उसके बाद आप लोग जिस पे छोड़ोगे वो वहाँ से आवाज निकलेगा। अगर आप लोगों ने सॉरी पे बोला तो आप लोग को सॉरी ऐसा कुछ आवाज आएगा। आप लोग अगर हेल्प मी में छोड़ा तो आप लोग को हेल्प मी ऐसा कुछ आएगा। और आपने आई मेड किट पे छोड़ा तो आप लोग को आई मेड किट आवाज आएगा। तो ठीक है, इसे हमारे मेड किट के साथ में ही होने वाला है। तो आप लोग अगर मेड किट को प्रेस करके घुमाते हो तो और उसके बाद भी ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा जिसपे आप लोग मेड किट यूज कर सकते हो, इनहेलर यूज कर सकते हो और एक बड़ा मेड किट यूज कर सकते हो, उसके बारे में उसके बाद में बताता हूँ। और ठीक है, आप लोग ग्रेनेड के साथ में भी ऐसा कर सकते हो। तो आप लोग ग्रेनेड फेंकने चाहते हो तो आप लोग प्रेस करके घुरा देना, आपका ग्रेनेड भी आ जाएगा। और आप लोग अगर और कुछ फेंकने चाहते हो तो आप लोग और कुछ भी प्रेस कर देना, वो भी आ जाएगा। तो आप मैं आपसे बता दूं अपना बड़ा मेडिकेट के बारे में, मतलब कि सुपर मेडिकेट है ये। तो ये नॉर्मल मेडिकेट से ये काफी खतरनाक मेडिकेट है। आपके पास अगर एक HP भी रहेगा ना, आप लोग अगर ये मेडिकेट यूज करते हो ना तो आपका मेडिकेट फुल हो जाएगा। तो ये नॉर्मल मेडिकेट के मुकाबले से ये काफी खतरनाक से मेडिकेट है। और ये नॉर्मल मेडिकेट की जगह हर जगह नहीं रहेगा, तो ये कहीं कहीं पे मिलेगा आपसे भी। तो ये अपडेट काफी अच्छा है, मेरे को भी ये अपडेट काफी ज्यादा पसंद आया। तो अब हम बात कर लेते हैं ये बड़ा वाला लूट बॉक्स के बारे में। यार इसका नाम क्या है मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, आप लोग को अगर याद है तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ। तो देखो, आप लोग अगर इसे ओपन करते हो तो आप सभी को बहुत सारे आइटम्स मिलता है, जैसे कि गन, मेडिकेट और भी बहुत सारे मिलता है। बट ये एक बार ओपन कर देने के बाद और ओपन नहीं होता है ना, तो अपडेट के बाद ऐसा नहीं होगा। अपडेट के बाद इसका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आएगा। और आप लोग अगर लेवल 1 को एक बार ओपन कर देते हो तो कुछ देर के बाद आप सभी को फिर से लेवल 2 ओपन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। उसमें से आप सभी को काफी अच्छे अच्छे आइटम, यार आइटम नहीं लूट आप सभी को मिलेगा। और लेवल 3 में और भी काफी अच्छा अच्छा लूट सब मिलेगा। तो ये भी अपडेट काफी सही है, मस्त सा अपडेट है, मेरे को भी ये अपडेट काफी ज्यादा पसंद आया। अरे यार, मैं आपसे बोलना भूल गया कि क्राफ्टलैंड का भी रैंकेड मोड आने वाला है। यार इतना बड़ा बात मैंने आपसे बोलना भूल गया, यार मेरे को पहले ये बात बोलना चाहिए था आपको। देखो, मैं इतना सारा अपडेट कैसे मैं याद रखूं, मैं तो देख ही नहीं बोलता, जो भी याद है वही सब आपसे को बोलता हूं। तो मैं इसे बोलना भूल गया, ठीक है, उसके लिए सॉरी। अरे नहीं, सॉरी नहीं, क्योंकि अभी मेरे को याद आया ना, तो मैं अभी बता दूंगा आपको। तो इसमें से हम सभी को गोल्ड मिलेगा, कुछ डायमंड वाला वाउचर मिलेगा, कुछ ओपन वाला वाउचर मिल सकता है और इमोट भी मिलेगा। काफी सारे चांसेस है कि हम सभी को इसके अंदर से इमोट भी देखने को मिलेगा, लेकिन इमोट अगर देखने को मिले तो कोई परमानेंट इमोट नहीं रहेगा, कुछ दिन के लिए हम सभी को ट्रायल के लिए मिलेगा, फिर चला जाएगा, फिर हम सभी को मिलेगा, ऐसा होता रहता है। जैसे आपने अभी मिल रहा है ना क्लास स्क्वाड पे, रैंक पे, ठीक वैसे मिलेगा क्राफ्टलैंड रैंकेड मोड पे। तो ये भी काफी अच्छा है, लेकिन मेरे को इतना भी ज्यादा खास नहीं लगा, क्योंकि सीएस रैंक खेलेंगे, फिर बियर रैंक खेलेंगे, फिर ये क्राफ्टलैंड का रैंकेड मोड आ गया है और ऊपर से भी लून अर्फ का रैंकेड मोड है। तो सबको हम लोग कैसे खेल सकते हैं अगर ये सब के ऊपर ध्यान दिए तो? हम लोग बियर सीएस में हीरोइक नहीं लगा पाएंगे तो क्या फायदा? तो आता है आने दो, अगर इमोट मिलता है तो काफी अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो आप लोग समझ लो कि बेकार है। और हाँ गाइस, आपसे बता कि जब भी कोई अपडेट आता है तो गन और कैरेक्टर की एबिलिटी में चेंज देखने को मिलता है। तो क्या चेंज होने वाला है मेरे को पता है, बट इस वीडियो में नहीं बताने वाला, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखोगे नहीं। तो इतना मेहनत करके वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग देखोगे नहीं, तो कुछ फायदा ही नहीं। तो इसलिए ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस छोटा छोटा ही बनाऊंगा, बट ये वीडियो बड़ा हो सकता है, मेरे को अभी कुछ पता नहीं क्योंकि मैंने एडिट वगैरह नहीं किया है। सो बस आज के लिए बस इतना ही, लेकिन और एक कैरेक्टर है जिसका एबिलिटी काफी खतरनाक है, तो वो सब के बारे में आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, बहुत सारे अपडेट अभी बाकी है, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो को वेट करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि वाला वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल पे न्यू आते चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।